सोलन में नशा के सौदा कर समुद्र की लहरों की तरह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। सोलन की सजग पुलिस नशे के काले कारोबार करने वालों को रोज सलाखों के पीछे पहुंचा रही है, लेकिन हद तो यह है कि फिर भी यह तस्कर कम होते दिखाई नहीं पड़ रही है। चरस, अफीम, चिट्टे ने युवा पीढ़ी को नशे की दलदल में इस तरह जकड़ लिया है कि वह इससे निकल नहीं पा रही है। युवाओं को नशा सप्लाई करने वालों पर सोलन पुलिस की खास नजर है, जिसके चलते पुलिस ने अपने गुप्तचरों को पहले से ही अधिक सक्रिय कर दिया है, जिसके चलते सूचना के आधार पर अर्की पुलिस ने एक कार चालक से अफीम और चरस की खेप बरामद की है। व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मौके पर एएसपी अशोक वर्मा ने बताया कि अर्की पुलिस को काफी समय से जानकारी मिल रही थी कि कमलेश नामक व्यक्ति नशे का काला कारोबार कर रहा है, जिस पर पुलिस कर्मियों द्वारा पैनी नजर रखी जा रही थी। इस दौरान गुप्त सूचना मिली कि कमलेश कार में नशे की खेप लेकर जा रहा है। पुलिस उसका पीछा कर रही थी। वह ढाबे के सामने कुछ देर के लिए रुका तो पुलिस ने उसकी जांच की तो उसके पास से 532 ग्राम अफीम और 534 ग्राम चरस बरामद की, जिसके चलते उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। सब इंस्पेक्टर रामलाल अपने जो थाना का स्टाफ था उनके साथ पेट्रोलिंग पे थे तो उनको सूचना मिली बाई नेम की एक व्यक्ति जिसका नाम कमलेश शर्मा है, वो अपनी कार में जो है वो धामी की तरफ से आ रहा है और वो लोगों को चरस और अफीम बेचने का काम कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। तो अगर तुरंत उसको इंटरसेप्ट किया जाए तो जो है चरस और अफीम बरामद हो सकती है। तो जिस पर थाना प्रभारी अर्की रामलाल उप निरीक्षक अपने स्टाफ के सहित वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर एक नेशनल हाईवे जो 205 है हमारा बथालिंग में, वहाँ पर एक ढाबे के आगे इस गाड़ी को जो HP नंबर HP03D1859 मारुति कार थी इसको खड़ी पाया एक ढाबे के बाहर, तो वहाँ पे एक व्यक्ति उसके अंदर बैठा हुआ था जिसने पूछने पे अपना नाम जो कमलेश कुमार बताया, तो उसको वो कारण बताया गया कि आपके पास कंट्राबैंड होने का अंदेशा है तो आपकी तलाशी ली जाएगी। तो जो एज पर प्रोसीजर जो है उस कार की तलाशी ली गई तो उसके अंदर से 532 ग्राम जो अफीम और 534 ग्राम चरस बरामद हुई है। तो पुलिस ने फिर चरस को कब्जा पुलिस में ले लिया है और उस व्यक्ति जो कमलेश जो एक तमरेड़ गांव का रहने वाला है सब डिवीजन अर्की से, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसमें आगामी अन्वेषण जो है अमल में लाया जा रहा है। हाँ, इस बारे में पहले सूचना प्राप्त हुई थी उस पर नज़र रखी हुई थी, तो जिसके तहत इस बारे में कार्रवाई की जा रही है कि इसके फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है कि इसकी संपत्ति क्या है और किन किन लोगों के संपर्क में है, ये सारा इन्वेस्टिगेशन में जो है अमल में लाया जा रहा है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सोलन ब्यूरो की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।